नेताओं से एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की डिक्टेटोरियल पॉलिसीज को फाइट करें। जिस तरीके से जमहूरियत को नकारा जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो है उनको डिनाई की जा रही हैं, एक बहुत ही कंसर्न की बात है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रॉक्सी रूल जारी करने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए इलेक्शंस करवाने से इनकार किया है और इन इलेक्शंस को लगातार डिले और डिनाई किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा घटाकर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा, विश्व के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला कि किसी राज्य का दर्जा घटाकर उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया हो। पैंथर्स पार्टी इस फैसले की ना केवल मुजम्मत करती है बल्कि कल हमारा एक विरोध प्रदर्शन होगा एग्जीबिशन ग्राउंड में, इस फैसले को रिवर्स करने की मांग को लेकर। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे फैसले, इंटरनेट को बैन करना सिर्फ एक अथॉरिटेरियन मूव है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी अथॉरिटी, देखिए पैंथर्स पार्टी अपील करना चाहती है तमाम सियासी और सामाजिक संगठनों से कि एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की डिक्टेटोरियल पॉलिसीज को फाइट करें। भारतीय जनता पार्टी इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ग्रो करने नहीं देना चाहती है। रियासत के अंदर जिस तरीके से असेंबली इलेक्शन को डिनाई किया जा रहा है लगातार बगैर किसी वजह के, वो जमहूरियत के साथ एक मजाक है। जिस तरीके से रियासत का दर्जा घटाकर इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, वो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी देखने को नहीं मिला। विश्व के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का दर्जा घटाया गया। यह ना केवल जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ एक बद्दा मजाक बल्कि महाराजा हरि सिंह का भी डिसऑनर है। इंटरनेट मोबाइल जम्मू कश्मीर में बंद कर दिया गया और कोई भी वजह इसके लिए नहीं दी जा रही है, सिर्फ अपनी अथॉरिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस किस्म के फैसले लिए जा रहे हैं। जम्मू के अंदर लगातार टोल प्लाजाज खोले जा रहे हैं लोगों की भावनाओं का अनादर करते हुए। बीडीसी के चुनाव में किसी भी पार्टी को उतरने नहीं दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी इस पॉलिटिकल स्पेस दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को देने से जिस तरीके से एक इनकार किया है, जिस तरीके से कायदा और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से एक हिटलर नीति को अपनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मुजम्मत करती और तमाम संगठनों को आगे आना होगा और भारतीय जनता पार्टी की इस दहशतगर्दी के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी।